विधेयकों के मुद्दे पर विपक्षी दलों के अलावा देश के करीब 250 छोटे बड़े किसान संगठनों ने 50 सितंबर के राष्ट्रव्यापी बंद को सफल बनाने के लिए कमर कस ली है। कई राज्यों के किसानों में इन विधेयकों को लेकर भारी गुस्सा व्याप्त है। उसे देखते हुए केंद्र एवं राज्य सरकारें बड़े पैमाने पर पुलिस बंदोबस्त कर रही है। किसान नेताओं के मुताबिक इसी पुलिस बंदोबस्त के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल रूट जाम किए जा सकते हैं। अगर सरकार ने उन्हें रोकने या किसानों पर बल प्रयोग करने जैसे कोई कदम उठाए तो केंद्र और संबंधित राज्य सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देश के बड़े किसान संगठन अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक सरदार वीएम सिंह का कहना है कि पिछले कुछ लोगों ने मीडिया में ये खबर फैला दी थी कि ये आंदोलन 2-4 राज्यों का है। अब 25 सितंबर को ये पता चलेगा कि देश का हर राज्य किसानों के साथ खड़ा है। तकरीबन सभी राज्यों में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन होंगे। किसानों का ये बंद पूरी तरह कामयाब रहेगा। सरदार वीएम सिंह कहते हैं कि अब किसान और धोखा नहीं रहेगा। समय आ गया है कि किसान विरोधी सरकार को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। किसानों की समस्या को उठाने वाले करीब 250 संगठन हैं। वे सब अपने अपने तरीके से बंद को सफल बनाने की रणनीति पर काम करेंगे। दक्षिण भारत के राज्यों में भी बंद का व्यापक असर देखने को मिलेगा। AIKCC के सभी राज्य संयोजक अपने क्षेत्र में किसानों के साथ बंद में भाग लेंगे। अगर कोई राजनीतिक दल किसानों के साथ आता है तो उसका स्वागत है। हालांकि हमें ऐसी खबरें मिल रही हैं कि कुछ राजनीतिक दल अपने स्तरों पर किसानों के विरोध प्रदर्शन और बंद में शामिल ना होने का मन बना रहे हैं। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के वर्किंग ग्रुप के वरिष्ठ सदस्य एवं किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा, किसान इन विधेयकों को लेकर गुस्से में है। राजस्थान में बड़े स्तर पर बंद का असर देखने को मिला। यही वजह है कि सभी किसान संगठन इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। इससे पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब और दूसरे राज्यों के राजस्व पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा। जहां तक लाभ की बात है तो वे केवल निजी कंपनियों को होगा। केंद्र सरकार ने एक विधेयकों को लेकर किसानों के साथ विपक्ष विचार विमर्श करना भी जरूरी नहीं समझा। 25 सितंबर के बंद के दौरान किसान की ताकत देखने को मिलेगी। हो सकता है कि देश में अधिकांश जगहों पर राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे रूट बाधित हो जाएं। SPN 9 न्यूज रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।